શિક્ષણ ફી મામલે વડોદરા આમ આદમી પાર્ટીએ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી ખાતે પહોંચી દેખાવો કરી 100% ફી માફીની માંગ કરી હતી। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી ખાતે સરકાર દ્વારા 25% ફીની લોલીપોપ આપી છે તેનો સખત વિરોધ કરી 100% ફી માફીની માંગ સાથે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને ભાજપ સરકારની સ્મશાન યાત્રા કાઢી વિરોધ કર્યો હતો। રિયા શેખની આગેવાનીમાં કાર્યકર્તાઓએ આવેદનપત્ર પણ આપ્યું હતું। भाजप सरकार ने अंतिम यात्रा लेने निकलया है, खास कर भाजपे 25% जे शैक्षणिक स्कूलों माटे जे फी माफी आपी है ये एकदम हास्यास्पद है। खास कर गरीब लोगों ने आज पण COVID-19 जे लॉकडाउन कारण जे सामनो करवो पड़ी रह्यो छे मुसीबतों ये हजू पण उघरी शक्या नथी। ज्यारे कोई सत्र चालू ज नथी थयुं स्कूलों में तो फी सेनी अमारो सख्त विरोध है कि आ फी जे लीधी है टोटल संपूर्णपणे 100% फी माफी आपवी जोईए एवी आम आदमी पार्टी की लागणी अने मांगणी छे। अमारी मांग ये छे कि आ सत्रनी टोटल 2020 संपूर्ण फी माफी करी देवी जोईए। अमे आजे अंतिम यात्रा काढ़ी छे, डीओ ने आवेदनपत्र आपीशुं अने अमारी मांगणी करीशुं। जो आ मांगणी नहीं स्वीकारे तो आवनारा दिवसमां आम आदमी पार्टी उग्रथी उग्र आंदोलन करता खचकाशे नहीं। आम आदमी पार्टी वडोदरा द्वारा आज आवेदन पत्र मिल्यु छे आ कचेरी ने, अने आम आदमी पार्टी की रजूआत एवी छे के सरकारे 25% फी माफी करी छे। शिक्षण फी जे शालाओनी छे एमां 25% फी घटाड़ो राज्य सरकारे अगाउ करेलो छे। नामदार हाईकोर्ट में पण आ बाबत ऊपर खासी चर्चा थयेली छे। हाल जे एमनी रजूआत एवी छे कि 25% नहीं पण 100% फी माफी थवी जोईए। आ नीति विषयक बाबत होय एमनी जे रजूआत छे राज्य सरकार ने अहींथी पहोंचाड़वामां आवशे।